हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि कजर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अधिशासी अधिकारी और कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 24 मई का ही ये पूरा रिजल्ट है। एंड इसमें सबसे पहले जो पोस्ट थी वो थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत शहरी विकास विभाग में। और इसमें देख सकते हैं आप, ये है सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो सभी कैंडिडेट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा इसमें एक और पोस्ट थी जो कि थी कर एवं राजस्व निरीक्षक, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, जो कि शहरी विकास विभाग में ही था। एंड इसमें भी आप देख सकते हैं इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर देखिए, आयोग ने ये भी बोला है इस रिजल्ट के लास्ट में, चयन परिणाम के क्रम में कट ऑफ मार्क्स और परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए गए हैं। तो इस भर्ती का जो फाइनल कट ऑफ रहा वो कितना रहा वो भी देखेंगे। और अगर आपको अपने मार्क्स देखने के, आप इस भर्ती में कितने मार्क्स लाए हैं, क्योंकि तो इसमें दो पेपर हुए थे, एक पेपर जीएस का था 200 का, एंड एक पेपर सामान्य हिंदी का था 100 नंबर का। टोटल 300 नंबर पे ये भर्ती थी, 300 नंबर पूर्णांक थे इसमें। तो अब देख लेते हैं कट ऑफ इसकी क्या रही है। तो सबसे पहले देखिए कट ऑफ की मैं बात करूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो दिया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली जो वीडियो है आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर होगी। उस पर मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, लगभग वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी इस रिजल्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट, देखिए जनरल की जो बॉयज की कट ऑफ गई है 227 के आसपास गई है, जनरल फीमेल की गई है 216, उसके अलावा जनरल जो हमारे ऑर्फन है उनकी गई है 183, ईडब्ल्यूएस की गई है 225, ईडब्ल्यूएस वीमेन की गई है 215, ओबीसी की 222, ओबीसी वीमेन की गई है 213, एससी की गई है 210। और यहीं पे बात करें, इसमें एसटी की वैकेंसी थी नहीं, एसटी की वैकेंसी आपको इसमें मिलेगी कर राजस्व निरीक्षक में, जो कि 214 के आसपास है, ठीक है। ये आपका पीएच एंड एक्सआरवी एंड डिपेंडेंट ऑफ जो फ्रीडम फाइटर है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए जो ये कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो अभी की वास्तविक कट ऑफ है जो कि इस रिजल्ट की है। और ये मैं बात करूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, आप देख सकते हैं, देखिए जनरल की मैंने बॉयज की बताई थी 225 के प्लस रहेगी, वीमन की 221 बताई थी, ओबीसी आप देख सकते हैं 221, ईडब्ल्यूएस भी 221 बताई थी। एक्सपेक्टेड जो मैंने कट ऑफ वहां पे रखी थी, मैंने आपको बोला था 225 प्लस वाले श्योर रहे, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस बॉयज, और लगभग वही कट ऑफ आपको देखने को मिले। एससी की देखिए 211 मैंने यहाँ बताया, 209 गई है, एंड एसटी की 210 बताई थी, 214 गई है। लगभग जो है एक दो नंबर का 19-20 है, लेकिन कट ऑफ पहले से प्रिडिक्टेड इसमें कही जा सकती थी, क्योंकि पेपर के स्तर से और जो वैकेंसीज इसमें थी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है, ठीक है। तो ये थी भाई कट ऑफ। और इसके अलावा देखिए, अगर आप अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो आपको अपने मार्क्स दिख जाएंगे यहाँ पर। देखिए कैंडिडेट मार्क्स की लिस्ट पूरी आपको दी गई है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अपने मार्क्स वगैरह। तो जो भी आप चेक करना चाहते हैं, मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं, आप सर्च में जाके अपना नाम डाल सकते हैं और अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, इसी में आपका टोटल होगा कि आपका हिंदी में कितने मार्क्स थे, कितने क्वेश्चन सही थे। देखिए सबसे पहले दिया गया एप्लीकेंट का जो नंबर है, उसके बाद रोल नंबर दिया गया, आपका नाम, आपके जनरल हिंदी में कितने सही थे, कितने गलत थे, ब्लैंक आपने कितने छोड़े, टोटल कितने मार्क्स हो रहे, ऐसे जीएस वाले पेपर में टोटल सही कितने हैं, गलत कितने हैं, ब्लैंक आपने कितने छोड़े, टोटल मार्क्स आपके ग्रैंड टोटल हिंदी और जीएस का बताया गया, ठीक है। तो ये भैया पूरा आपका रिजल्ट, अगर आप देख सकते हैं, अपने मार्क्स देखना चाहते हैं कि कितने मार्क्स मेरे आए थे, तो आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो कट ऑफ आपको बताई थी, लगभग देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो कट ऑफ की, तो देखिए 227 बॉयज की गई है, यानी कि 300 में से 227 गई है। तो लगभग लगभग 70, आप देख सकते हैं 72% पे कट ऑफ गई है, ठीक है। और इसमें वैकेंसीज जो थी वो आई थिंक लगभग 83 के आसपास थी, 83 वैकेंसी में 72 कट ऑफ गई हुई है हिंदी और जीएस की। हालांकि जो लोक सेवा आयोग का जीएस है और साथ ही करंट अफेयर होता है, थोड़ा मुश्किल होता है अगर मैं कंपैरिजन करूँ उसका UK SSS से। UK SSS में उत्तराखंड और हिंदी कठिन होती है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी आसान थी ईओ वाले पेपर में। बट देखिए कम पोस्टों में भी जो कट ऑफ है 72% के आसपास रही। और जो भी आपका हाल में ही रिजल्ट आया था UK SSS से ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें भी आपने देखा है कट ऑफ लगभग 74 के आसपास रही है जनरल की। तो आने वाले समय में जो है आपका कट ऑफ का जो दायरा है बढ़ते जा रहा है, इसका साफ मतलब ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जो अच्छी मेहनत करेगा वन डे एग्जाम में, जो बहुत ज़्यादा पारंगत बन जाएगा, रिवीजन ज़्यादा करेगा, पुराने पेपर मॉक टेस्ट और फुल लेंथ पेपर ज़्यादा लगेगा, सिलेक्शन उसी का होना है। क्योंकि देखिए रिसोर्सेज बहुत हैं आजकल, आप जानते हैं उत्तराखंड में हो या इंडिया के किसी भी कोने में हो,
आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, लाइक यूट्यूब है आपके पास, उसके अलावा आप ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, पेड क्लासेस घर बैठे ले सकते हैं, तो सभी चीजें आपको घर पे मिल जाए, तो हर किसी की तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फिर से एक बार भाई, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। किन किन का सिलेक्शन हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिनका सिलेक्शन एक दो नंबर से या कुछ नंबर से नहीं हो पाया तो आप लोग निराश ना हो, आप सफलता के काफी नजदीक हो। तो यहाँ पर मेहनत को डबल करने का समय आ गया है। जहां पर आप एक दो नंबर से फेल होते हैं ना, वहां पे आप समझ जाइए कि अगले एग्जाम में आपको पिछले वाले एग्जाम से भी ज्यादा एफर्ट लगाना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अभी जो आपका आगामी एग्जाम है उस पर आप फोकस कीजिए। आगामी एग्जाम है UK SSSC आबकारी उपनिरीक्षक, आबकारी सिपाही एवं परिवहन सिपाही का, जिसका एग्जाम 30 जून के आसपास आई थिंक होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए जिनका भी ये एग्जाम है, और अगर आपने इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं लगाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्ट वहां पे जाकर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर पे जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनका अभी उत्तराखंड PSS प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम है, वो लोग उत्तराखंड और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर वाली जो टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे, उसको भी जरूर इनरोल करें, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा, और देखिए जिन लोगों को यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में देख रहे हैं जो आज सफल हुए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू वाला जो आपका कर निरीक्षक है, देखिए इन लोगों का जो जर्नी है ना वो भी काफी लंबी रही है। इन लोगों ने भी ग्रुप सी एग्जाम में फेलियर देखे होंगे, हालांकि जो ये भर्ती थी इसका जो सिलेबस था सेम लाइक ग्रुप सी एग्जाम था, इसमें GS पूछी गई थी, करंट अफेयर पूछी गई थी, उत्तराखंड था, और साथ ही एक हिंदी का पेपर अलग था, और हिंदी जो थी इजी टू मॉडरेट थी इसमें, जबकि GS थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि मॉडरेट लेवल का था, और करंट अफेयर थोड़ा टफ थी। तो ग्रुप सी वाले जो कैंडिडेट है उनको इस पेपर में फायदा मिला, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं साकार हुई। अगर ग्रुप सी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है। अधिशासी अधिकारी जो है, एक दो प्रमोशन के बाद आप बहुत अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, और पूरा जो नगर पंचायत है उसके एकमात्र अधिकारी आप रहेंगे, और भविष्य में इसका जो प्रमोशन है वो आपका सहायक नगर आयुक्त तक आप जाएंगे, यानी कि असिस्टेंट सिटी कमिश्नर आप बनेंगे। बहुत लंबा प्रमोशन है, अगर आप मेहनत करेंगे कम एज में जॉब मिलेगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी जॉब जिंदगी से बड़ी नहीं है, बट कम एज में एक बड़ी जॉब पाना बड़ी बात है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ अपनी मेहनत को डबल कीजिए, आने वाले एग्जाम पे फोकस कीजिए, असफलता को पीछे रख दीजिए। जब तक आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक अगले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ये उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए एक उसूल है, मंत्र है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके सिलेक्शन के दिन से आपको ढीला नहीं पड़ना है। जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए घर पे तब तक मेहनत करते रहिए। बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गर्मी काफी ज्यादा है, क्लासेस आपको जल्दी ही कंटिन्यू की जाएंगी, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है तभी क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों, अपनी मेहनत जारी रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो आपको जो सफलता मिलेगी, भले देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर, लेकिन विश्वास का होना, आत्मविश्वास का होना और साथ ही दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी होता है किसी भी सफलता के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, जय हिंद, जय देवभूमि।